मेरा हुस्न का जादू चल गया, मेरा हुस्न का जादू चल गया, मेरी गान मेरे गाने में फट गया, मेरी गान। जलते रहो तुम जलते रहो, जलना तुम्हारा काम है, और जो जला जला के राख कर दे सलमान उसका नाम है। तो भाई आज बात करेंगे ऐसी भांड के बारे में, ऐसी साले का ना ठीक ठाक गांड है ना ठीक ठाक शकल है, साले को बुढ़ा भी बोलू तो साला बुढ़े लोगों का अपमान है। तो बात करेंगे आप ईमानदार, हम अच्छे लड़के, हम ऐसे नहीं बोलते भाई, फिर भी निकल जाता है ना भाई का कुछ बोलता है तो। जब भी भाई का कुछ आता है तो इसका गांड बहुत जलता है, तो इसका आज गांड में धुआं लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में अगर आप नए हो तो चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में आगे बढ़ते है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऐसा प्राणी जिसको दिखता है तो इंसान की तरह लेकिन है पूरा गांड की तरह, जो दिखता है बुढ़े से भी बदतर लेकिन खुद को बताता है एक लौंडा कट्टर। इसका बस चले तो ये अभी अभी खुद को पैदा हुआ बता दे। जब भी भाई का खला कुछ आता है, फिल्म बोलो, टेजर बोलो, ट्रेलर बोलो, पोस्टर बोलो या कोई भी पोस्ट बोलो, इसका बड़ा ही गांड जलता है। तेरे नाम का जो डायलॉग है ना भाई ने बोला था कि मुंह में सिगरेट लगा दूंगा उठ जाएगा, साला बाल काला करके मुंह में पूरा जड़ी बूटियां लगा के लिपस्टिक लगा के खाला खुद को 20 साल का जवान समझता है तू। साला रात को जब तू लगाने जाता है ना अपने बीबी को तो घंटे तक उठ उठ उठ, अभी उठना, उठ उठ उठ, ऐसा करता है तू। नाम लेने का तो औकात नहीं है तेरे पे, नाम लेके बात करना, जेल की हवा खिलाएगा तेरे को। नाम लेने का औकात है जो बात करेगा सलमान के नाम से, तुम एक है वो भाई। तो कहीं गलती से भी दिख मत जाना मेरे को कही। तू साला दूसरा मूवी का रिव्यू करता है, दूसरा मूवी का तू कभी खुद का मूवी एक बार देशद्रोही तू खुद देख ले, खुद मर जाएगा। मगर क्यों? तो दूसरे के एक्टिंग को लेके बात करता है तू, अपने एक्टिंग देख, अपने एक्टिंग देखा तू, जब तेरे को गोली मारा था तू मगर क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सारा ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग में भी तेरी जान गांड से निकल रहा है और तू दूसरे के एक्टिंग के बारे में बात करता है। तू साला गाना को लेके बात करता है, तू कभी खुद का गाना देखा है? तू डांस को लेके बात करता है भाई का, तू कभी खुद का डांस देखा है? मैं दिखाता हूँ तेरे को दोस्तों, मेरा आज मैं डांस करने का मूड में हूँ। मेरा हुस्न का जादू चल गया, मेरा हुस्न का जादू चल गया, मेरी गान मेरे गाने में फट गया, मेरी गान में फट गया, सीने से कर गए आशिकी ए कर गए। गाना तो याद नहीं रहता, चलो कुछ भी लगा देता हूँ। मेरा हुस्न का जादू चल गया। ये थे तुम्हारा ऋतिक रोशन जैसा डांस, तू दूस भाई का डांस लेके बोलता है। अरे भाई का डांस को लेके मत बोल, वो एक स्टेप करता है सालों साल चलता है। गाने को लेके मत बोल, एक जुम्मे की रात का म्यूजिक पूरा ईद में बसता है, पूरा हर फेस्टिवल में, इंडिया के फेस्टिवल में बसता है। एक्टिंग देखेगा, अब तुझको क्या ही बोलूं, एक्टिंग तू खुद है, तू पहले एक्टिंग कैसे होता है सीख, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि एक्टिंग का गलत क्या होता है, एक्टिंग का अच्छे एक्टिंग किसे कहते हैं, गलत एक्टिंग किसे कहते हैं, फिर मैं तुझे बताऊंगा। अरे बाल काला करना छोड़ दे, ठीक है, बाल काला करना छोड़ दे, तो दिखता नहीं है, नौजवान तू है नहीं, 5 घंटे लगते हैं तुझे उठाने में, या तू अपने आप को लौंडा बोलता है, शकल देखा है तू अपने। अच्छा तू कल भाई का जब टाइगर 3 का पोस्टर आ रहा था तो पोस्टर को लेके बात कर रहा था ना, तेरा देशद्रोही का पोस्टर देखा था? ऐसा 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 दो हाथ में दो गन लगा के, मेरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा करके बैठा, मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, चलो मैं तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, इतना घटिया तो पोस्टर मैं नहीं कर पाऊंगा। सलमान भाई के जो सलमान भाई के जो फैन मेड पोस्टर है ना टाइगर 3 का, जो लोग फैन बनाते हैं हम जैसे फैंस, वो पोस्टर जाकर देख लेते देशद्रोही से लाख गुना बेहतर है। अब बढ़िया तू मूवी रिव्यू करता है तो देशद्रोही, तू देशद्रोही का रिव्यू किया है तू, या फिर बोल रहा था कि देशद्रोही 2 भी आएगा, कब आएगा भाई? मैं तो मच अवाइटेड मूवी है देशद्रोही 2, भाई लोग आप लोग समझ लो, देशद्रोही 2 देखना है, ठीक है। नाम लेके बोलता हूँ कि यार के तू है कुत्ता, तू है चूतिया, तू है गांड सकल, गांड जैसा सकल है तेरा। इसका दिक्कत क्या है पता है, ये अपने आपको बहुत खूबसूरत मानता है, देखो चांद गोल गोल है लेकिन चांद सुंदर है,
गांड भी गोल है लेकिन गांड गांड होता है। तू चांद नहीं है, तू गांड है। तू हाथी का गांड नहीं है, तू कुत्ते का गांड है। कुत्ते का यहां से एक हड्डी निकल रहा है, यहां से एक हड्डी निकल रहा है। तेरा यूट्यूब चैनल पे जो डीपी है तू देखा है कभी? डीपी वो वाला डीपी तू अपने देख ले, मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखो इसका डीपी देखो यूट्यूब का। ये अपने आप को नौजवान बोलता है। अच्छी बात है, दोबारा भाई को लेकर कुछ बोलने से पहले सोच लिया कर। वर्ल्ड कप में जो मिडिल ईस्टर्न यूज किया जाएगा वो मिडिल ईस्टर्न तेरे कान में डाल दूंगा। और गलती से भी कभी भी सामने मत पड़ जाइयो मेरा। सामने किसी दिन अगर तू मिल गया ना तो तेरे को पूरा पब्लिक में तेरे को ऐसा बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि घर जाकर अपनी बीबी के दुपट्टे में तू रोएगा। चलो वीडियो इतना ही भाई, आपका क्या राय है कमेंट्स करके बता देना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस माधवचंद तक पहुंचे। ठीक है, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए साले के तक पहुंच जाए। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। जय सलमान भाई, केयर की तेरी माँ की चुप।